सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट टू पीएफ. कॉन्ट्रीब्यूशन इज लाइक एक्सपेंस एंड पीएफ इज अ लाइफ. कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बढ़ा, पीएफ लाइबिलिटी बढ़ा. इज दिस क्लियर? तो देना बाकी है, सेम कंसेप्ट. सैलरी एक्सपेंस बढ़ा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी देनी बाकी, तो ये भी देना बाकी है. तो पीएफ इज अ लाइबिलिटी. अब कब दोगे ये पैसा एम्प्लॉय को? आप पीएफ का पैसा कब देते हो? प्रोविडेंट फंड का. बुढ़ा रिटायर हो जाता है तब देते हो. तो उतने सालों तक तो आपके पास कैश पड़ा हुआ है ना बैलेंस शीट में, बिकॉज एवरी लाइबिलिटी एज अ करस्पॉन्डिंग एसेट. तो यहाँ पे अगर पीएफ होगा तो यहाँ पे कैश होगा ही ना बचा हुआ. हजार हजार रुपया आपने जो नहीं दिया है वो आपके पास यहाँ पे कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है एसेट में. उस कैश आप क्या करते हो? इन्वेस्ट कर देते हो, सो दैट द मनी ग्रोज. एम्प्लॉय मे गेट सम फ्यूचर रिटर्न्स, गुड रिटर्न्स. बुढ़ा होते हैं उसको ज्यादा पैसा मिलता, तो आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो. तो इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हो, कैश देते हो और इन्वेस्टमेंट आ जाता है. इसको बोलते हैं पीएफ इन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. व्हाट आर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स? एसेट्स. एंड इसपे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको बिलोंग करती है वर्कर को बिलोंग करती है, एम्प्लॉय को बिलोंग करती है. तो एक्चुअली आपका एंट्री क्या होता है इंटरेस्ट का? कैश टू इंटरेस्ट होता है. नॉर्मली आप जब इंटरेस्ट रिसीव करते हो तब क्या एंट्री करते हो बोर्ड पे? देखो, कैश टू इंटरेस्ट करते हो और फिर वो इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर कर देते हो आप? पीएनएल इनकम बन के आता ना यहाँ, क्यों? बिजनेस की इनकम होती है. बट ये जो पीएफ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है ये बिजनेस का इनकम नहीं है. दिस बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय. सो यू डोंट ट्रांसफर इट टू पीएनएल, यू ट्रांसफर इट टू पीएफ, यू ट्रांसफर इट टू पीएनएल. देखो, अगर पीएनएल में डालोगे तो नेट प्रॉफिट में ऐड होके वो कहां चला जाएगा? कैपिटल में. तो पीएनएल में डालो पीएनएल में तो वो कैपिटल में जाएगा. लेकिन ये पीएनएल में नहीं डालना है, सीधा किधर डालना है? पीएफ, प्रोविडेंट फंड. बेसिकली इट इज नॉट अ इंटरनल लाइबिलिटी, इट इज एन एक्सटर्नल है. ये ओनर को नहीं देना है, ये बाहर वालों को. तो ये इंटरेस्ट किसको बिलोंग करता है? एम्प्लॉय. समझ में आया? एक ही ऐसा इंटरेस्ट है जो पीएनएल में नहीं जाता, किधर जाता है? पीएफ. कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन पीएफ नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट होता है. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट. पीएफ पे कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, पीएफ इज अ लायबिलिटी. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी जस्ट लाइक पीएफ. ये भी पैसा किसको देना बाकी है? तो एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट का भी पैसा देना है और उसपे जो कमाया हुआ इंटरेस्ट है उसका भी पैसा. और साइकिल कैसे चलती है? ये जो इंटरेस्ट आपने कमाया है ना, इसको भी आप वापस रीइन्वेस्ट कर देते हो नेक्स्ट, क्योंकि वो कैश मिला है ना, उसको भी आप रीइन्वेस्ट करो. फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिसीव करो, इन्वेस्ट करो, रिसीव करो, इन्वेस्ट करो, रिसीव करो, इन्वेस्ट करो. ये साइकिल चलती रहती है 10-15 साल. वो पर्सनल एम्प्लॉय खुद करता है, पर्सनल सेविंग. बट सैलरी में ऐड नहीं होगा. सॉरी, सैलरी में ऐड नहीं करना, अलग से ही दिखाना. चार आइटम्स है, सुनो ध्यान से सब लोग. पेड एंड ऑल ऑफ यू, व्हाट आर द फोर आइटम्स? पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, वेयर डू यू पुट दैट? पीएनएल डेबिट एक्सपेंस. देन पीएफ लायबिलिटी. कॉन्ट्रीब्यूशन इज लाइक सैलरी, देना दे दिया मतलब एक्सपेंस हो गया लेकिन पैसा देना बाकी. पीएफ इज अ लायबिलिटी, देना बाकी. पीएफ इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स, जो पैसा आइडल पड़ा हुआ था आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय का पैसा ग्रो हो. और इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट्स इनकम की लायबिलिटी. नॉर्मली हर एक इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम, बट ये ऐसा इंटरेस्ट है ये इनकम नहीं है, लायबिलिटी. क्योंकि इनकम होता तो कैपिटल में ऐड होता ना, ओनर पे चला जाता, ओनर को नहीं देना है, बाहर वाले को. तो लाइव ओके, ऐड टू पीएफ करना है इसको. इंटरेस्ट क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट्स ऐड टू प्रोविडेंट फंड. आ चुका है बोर्ड में, गुड चांसेस ऑफ कमिंग अगेन. चार एंगल्स समझाया, लॉजिकली ध्यान रखो तो भूलोगे नहीं आप. व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? एक्सपेंस. पीएनएल डेबिट. व्हाट इज पीएफ?
देना बाकी लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी. व्हाट इज पीएफ इन्वेस्टमेंट? एसेट. टाइटल पढ़ा था इन्वेस्ट करके. व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन पीएफ? इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल है. राइट टू पीएफ इन फ्यूचर यू पेड टू द एम्प्लॉइज अलोंग विद द बेसिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लांट एंड मशीनरी एसेट. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स. दो डेबिट में होंगे, दो क्रेडिट में होंगे. दो डेबिट है ना, एसेट और एक्सपेंस डेबिट. कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, और पीएफ और इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड. कैपिटल बैलेंसेस ऑफ शायला नाम सर सी सी कैपिटल क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट दिखा क्या? एड टू पीएफ लाइबिलिटी. सेल्स टीसी ट्रेडिंग क्रेडिट. प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी एंड क्रेडिटर्स. Come to the adjustments. First one, depreciate plant and machinery by 25%. Siddh, depreciation ka do effect. Assets mein kya plus? Minus from assets and P&L debit. Create a reserve for bad and doubtful debts at 7.5%. Max, what is this? Create a reserve for doubtful debt 7.5%. What is that? 7.5% का मतलब क्या? वो है क्या? क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता. कितना लोग सेवन एंड हाफ परसेंट रिजर्व फॉर डाउट, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व क्रिएट करना है देखो. एनआरडी सूच है पीएनएल डेटर्स माजी माइनस दस. बोलो पची है इतना भाई. तीजू बेवार की तो कितना केजे टुकड़ा टुकड़ा. Wages amounting to rupees 5,000 and salaries amounting to 3,000 are outstanding. Kriti, tell me outstanding wages and salaries. Liability and add to expenses and liability. Perfect. Rent, rates and insurance paid in advance are 1500. Paid in advance का मतलब क्या होता है? Prepaid. रिया हो रहा. Prepaid rent, rates. माइनस फ्रॉम रेंट रेट्स एंड एसेट. स्टॉक ऑन 30th June 2017 वॉज 30,000. विच स्टॉक इज दैट? क्लोजिंग स्टॉक. क्रिश ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स. परफेक्ट. इलेक्ट्रिक पावर इंक्लूड्स डिपॉजिट पेड फॉर इलेक्ट्रिक पावर मीटर. इलेक्ट्रिक पावर क्या एक्सपेंस है? उसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक मीटर का डिपॉजिट डाला हुआ है. व्हाट इज डिपॉजिट? एसेट. इट इज लाइक एडवांस. तो प्रीपेड. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर एंड एसेट. डिपॉजिट का मतलब पता है क्या होता है? प्रीपेड ये जैसा ही है. वो आप जब मीटर खरीदते हो ना तो एक डिपॉजिट देते हो उसको. फिर जब मीटर सरेंडर करोगे तो डिपॉजिट वापस मिल जाए. वो खराब कर दिया आपने मीटर को, तोड़फोड़ कर दिया तो उधर से काट लेगा. ऐसा रेंट डिपॉजिट होता है. आपका जियो सेट टॉप बॉक्स का डिपॉजिट होता है. केबल वाला भी लेता है आपसे सेट टॉप बॉक्स का डिपॉजिट. सेम हो लॉकर रेंट, लॉकर डिपॉजिट होता है. कुछ भी तोड़फोड़ हो गई तो काट लेगा, नहीं तो वापस मिल जाएगा. ओके सो लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर एंड एसेट्स. और अभी डू यू हैव एनी हिडन एडजस्टमेंट? चेक यू डॉट्स. वन डॉट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वन डॉट ऑन डेटर्स. प्लांट एंड मशीनरी पे, डेटर्स पे, वेजेस पे, सैलरीज पे. हाँ हाँ 20. लैंड एंड मशीनरी पे, डेटर्स पे, वेजेस पे, सैलरीज पे. लैंड एंड मशीनरी पे, डेटर्स पे, वेजेस पे, सैलरीज पे, रेंट रेट, इंश्योरेंस पे, इलेक्ट्रिक पावर पे. रेंट रेट, इंश्योरेंस वन, इलेक्ट्रिक पावर वन. क्लियर है? Start, come on, try this. Put say try go. I also saw. Try it on your own. Electric power minus
इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट सेम प्रीपेड दे देता हूँ, डिपॉजिट इज प्रीपेड, अभी बता ना आप दे देते हो मीटर सरेंडर करोगे तो वापस मिल जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, डिपॉजिट मतलब वापस मिलेगा, तो लेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर एंड एसेट, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है तो यूज हो जाता है, तो पढ़ा है करो, चलो ध्यान से कम ऑन बैटरी में तो फॉर्मूला बीडी प्लस एफ बी डी प्लस एफ, कम ऑन ट्राई दिस, प्रोविडेंट फंड के चारों आइटम्स क्लियर है, फॉलो फ्यू, चलो ध्यान से परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न आर लाइक इनकम्स सो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न आर लाइक एक्सपेंसेस सो डेबिट, इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट, इलेक्ट्रिक पावर में से माइनस इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट, और एसेट्स में भी इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट, चलो आप चल रहा पब्लिक इतने लपीदो नहीं फर्स्ट लाइन का पावर हैवी इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज पीएनएल, पावर इज ट्रेडिंग, अच्छा प्रोविडेंट फंड पे भी डॉट डाल देना, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड पे भी डॉट रख, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर, माइनस इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट, Thank you.
एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन इज लाइक एडवर्टाइज Sir, I discount the customer discount allowed. Yes. Discount to customers is discount allowed. हेलो मैडम सर पीएफ इन्वेस्टमेंट तो एसेट है ना हाँ और इंटरेस्ट लायबिलिटी हाँ पीएफ मैन PFP dot you just add it editor's page sales promotion listen PL and debit as it bolo इंटरेस्ट भी है इन्वेस्टमेंट उसमें ऐड हमारे इंटरेस्ट लग रहा है माइनस प्रीपेड वाह सर वार्ड ही नहीं है वार्ड ही नहीं है लास्ट बेंच अक्षर पीएनएल में अभी भी लिखो चले वो इफेक्ट होना चाहिए हो गया सर नहीं
कंट्रीब्यूशन प्रोविजन कमीशन और कुछ नहीं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दो पार्टनर का जो कि दो पार्टनर का अलग फिर इनर कॉलम और आउटर कॉलम पीएनएल में आएगा ना टू इंटरेस्ट तुम्हारा